हेलो गाइस, मैं हूं शहबाज खान और आप हैं मेरे साथ वायरल जी के स्टडी चैनल पर। आज का हमारा जीके टॉपिक है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 के विजेताओं की घोषणा। यह लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड का 23वां संस्करण था। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड यह एक वार्षिक आयोजन है। यह अवार्ड पहली बार वर्ष 2000 में दिया गया था। यह अवार्ड खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को दिया जाता है। यह अवार्ड कुल 6 कैटेगरी में दिया जाता है, स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स वोमैन, टीम, कमबैक, एक्शन और ब्रेक थ्रो। दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति द्वारा दिया जाता है। नीदरलैंड के फॉर्मूला 1 रेस के विजेता मैक्स वेस्टापेन ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। जमैका की धावक एलेन थॉम्पसन हेरा ने स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। इटली के मेंस फुटबॉल टीम ने टीम ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड जीता। भारत के नीरज चोपड़ा को लॉरियस अवार्ड 2022 में लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रो ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था, मगर ये अवार्ड ब्रिटिश टेनिस प्लेयर एम्मा रादुकानु को मिला। पहलवान विनेश फोगाट और क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर के बाद नीरज चोपड़ा केवल तीसरे भारतीय हैं जिन्हें लॉरियस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था।